हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई, नहा धो लिया हूँ, वर्कआउट हो गया मॉर्निंग का, और अब कर रहे हैं भाई ब्रेकफास्ट। आज के ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल है? आज के ब्रेकफास्ट में है भाई ये स्पेशल, इसमें लबालब घी गर्मा गर्म और हमारी भाई रोटी, साथ में है गुड़। सर्दियों में भाई खाने के साथ में गुड़ से बेटर कुछ नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो भी करते हैं भाई ब्रेकफास्ट और करते हैं फिर अपने दिन की शुरुआत। A little longer than a few minutes later. खाना वाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ भाई गाड़ी में कुछ और इम्प्रूवमेंट कराने, कुछ और एक्सेसरीज लगवाने। ठीक है, आप भी कहेंगे भाई ये तो पागल हो गया है, डेली कुछ ना कुछ लगवाता रहता है, बट जो भी लगवाने वाला हूँ भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, वो भी इंटीरियर में कुछ है, तो बस आज आपको ज़्यादा आना जाना वाना कुछ नहीं दिखाएंगे, तो बस गाड़ी छुड़ाते हैं फिर उसके बाद में अपना डे कंटिन्यू करते हैं। लो भाई, एक और पिल्ला बेचारा गया और ये अपने भाई ने ठंगा करे, भाई ने छोटे बालका ने तो बेरा गुना क्यों होया है। भाई अभी अभी एक बच्चा बार वालों में से भाई एक्सपायर हो गया, गाड़ी के नीचे आ गया, और दुख तो ये है भाई कि आदमी इतना मतलबी है कि अगर वो गाड़ी में बैठा है, चार लोग थे भाई गाड़ी में, चार लड़के थे, मैं नहीं था वहाँ, जब मम्मी वगैरह और जो गाड़ी में खड़े थे ना वो थे, जिन्होंने देखा वो बता रहे थे कि भाई चार लड़के थे। पहले उन्होंने रोक ली क्योंकि उनको दिखा कि पिल्ले विल्ले हैं, ठीक है, फिर अपनी मस्ती में इतने चूर कि रोकने के बाद फिर गाड़ी चला दी। अरे चार आदमी थे, एक बंदा तो ये उतर के देख सकता था कि हट गए या नहीं हट गए, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी होती है, और इन जान से ज़्यादा वैल्यू होती है उन लोगों के टाइम की, उन लोगों की मस्ती की। ठीक है, कोई नहीं भाई, हमने तो अपना धर्म पूरा करना है। बच्चा डाल लिया भाई इसमें, कस्सी वस्सी ले ली, शरीर को इसकी आत्मा को भाई शांति मिले। भाई अभी रिलायंस से लेंगे नमक वगैरह, क्योंकि नमक ज़रूरी है ताकि शरीर मिट्टी में बहुत जल्दी गल जाए। तो जब तक भाई अंशु यहाँ वेट कर रहा है, मैं ले आता हूँ अपना नमक वगैरह। भाई मैं ना कति हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ भाई सारे ने, जो भी ये वीडियो देखे हैं या किसी पर भेज भी दियो, भाई अपनी ड्राइविंग और अपने मजे के लिए भाई ध्यान तो चलाओ। मैं समझूँ कि हमेशा गलती, कई बार गलती तो भी हो सके हैं भाई, आपका ध्यान ना गया हो ऐसा कुछ है, मेरे पे भी हो सके है, बट जहाँ तक है भाई इनकी भी जान की वैल्यू करो और ध्यान रखो। मेरे अंदर है ना इतना दुख है इस टाइम पे और उतना गुस्सा भी है कि यार बच जाते हो अगर वे भाई थोड़ा सा ध्यान दे लेते थे। बस नू ला लो, इब आंसू नहीं आ रहे पर रोने में भी कमी ना है, वैल्यू करो भाई इनकी भी जान की वैल्यू करो। ये भी यार ये कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, हमारी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये भगवान ने हमारे कड़ी में हमारी उसमें छोड़ रखे थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। पहले भी तो यार ऐसे होता था गांव में से, भाई हर घर में से गाय की कुत्ते की रोटी निकालते थे ताकि इनको भाई भरपूर भोजन वगैरह मिल सके। कोई ना पता नहीं कि इतनी सेल्फिश दुनिया होगी, कोई कुछ करके राजी नहीं। भाई पहले भी यहाँ पे ही दफना के गए थे और अब फिर यहीं दफना होंगे भाई आज भी। भाई जोन साइन तो फूड खुआ था ना उससे के पैकेट में डाल के लाया हूँ, बहुत दुख हो भाई, बहुत दुख हुआ है। थोड़ी देर भाई अंशु खोद है, अब थोड़ा और खोद के फिर इस बच्चे को भी दफनाते हैं।
भाई बच्चा तो दफना दिया भाई, बट दोबारा कहूँगा बहुत दुख हो रहा भाई। हम इनकी इतनी सेवा करें हैं, ठीक है ना, लगाव हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं यार। 6.5 hours later भाई जिम में जाने का हो गया अभी टाइम, ठीक है। तो हम तो भाई अपना ध्यान रखने वाली चीज़ों का कर रहे हैं काम, दिखाता हूँ। अब देखो वंशु भाई स्पेशली इसीलिए खड़ा है कि बच्चों को संभाल ले। भाई एक जो नई अपडेट है वो है ये, गाड़ी में देखो स्पीकर, ये लाइट, नीचे भी लाइट, यहाँ भी लाइट, और पीछे ये स्पीकर है भाई, ये देखो ये भी चारों स्पीकर मस्त हो गया। तो ये कुछ भाई नई अपडेट थी जो गाड़ी में कराई है यार। इनको थोड़े दिन बचाना होता है बस, फिर उसके बाद तो ये बड़े हो जाते हैं, समझदारी आ जाती है। अब ये छोटे बच्चे भाई इनको नहीं पता गाड़ी है क्या है, इनको तो नहीं पता, हमें ही समझना पड़ता है। बट ये माइंडसेट सबका नहीं होता है, उनको लगता है हॉर्न बजा दिया बड़ा डॉग हट जाता है आराम से, छोटा डॉग नहीं हटता है। उसका रीज़न यही होता है उनमें इतना भी मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती उनमें। थोड़े दिन सर्वाइव कर जाएं उसके बाद तो भाई ये सर्वाइव कर ही जाते हैं। जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी होती है ना वो उतनी ही जीता है, ये भी एक फैक्ट है। तो वापस आने के बाद भाई जिम से फिर इनको करते हैं ठीक। मेरा मूड दोस्त भाई सुबह से बिल्कुल ख़राब है, कुछ नहीं किया मैंने, मूड इतना ख़राब था। A few moments later. One hour later. भाई अब आ गया घर पे, एज यूजुअल अब देना भाई बच्चों को खाना, और तीन छोटे बच्चों को खाना, उनकी माँ को खाना। दुख है यार आज ना बड़ा, मतलब अच्छा दिन नहीं रहा, मैं अपने इमोशंस वगैरह बता नहीं पा रहा। मैंने भाई इनके लिए बाहर वालों के लिए भी एक्सटर्न व्यू वगैरह वो बुलवाए, शब्द नहीं है भाई मेरे पास अपना दुख प्रकट करने का, शब्द नहीं है ऐसे होता, मतलब यहाँ से है ना कुछ निकल गया हो भाई। बहुत मुश्किल होता है बच्चे को उठा के दफना के आना, ठीक है। जो लोग डॉग लवर हैं ना, एनिमल लवर हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं और मेरी बातों में समझ सकते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। मीनवाइल आजो बेटे खाना खा लो भाई। ये ना इनमें भी इमोशंस होते हैं, सारी चीज़ होती है अभी इनको ना पता है। इनका आज एक भाई नहीं रहा, और जब मैं उसको लेके भी जा रहा था ना, जब एक्सपायर हो गया था, यहीं पे एक्सपायर हुआ था भाई, यहाँ पे खून था, हल्दी वगैरह डाल दी, ठीक है। देखो आज खाना भी इनके पास एक्स्ट्रा है, नहीं तो आप देख रहे थे ना पिछले 2-3 दिन से ना इतना खाना खा रहे थे, एकदम से टूट के पड़ रहे थे क्योंकि खुश थे। और अब देखो भाई इनका एक भाई कम हो गया, तो ये तो निकला ही नहीं अंदर से। टमाटर वमाटर देखो ये सब्जी वब्जी वाले ने डाले हैं पता नहीं किसने, पर ये ना इतना खुश हो के नहीं खा रहे। जब तक भाई ये जो बिछोना है इसको पूरा अंदर फैला देते हैं। तो भाई देखो मैं फिर यहाँ बैठ गया, इसको भूख नहीं है। इनका भी तो भाई एक फैमिली मेम्बर ही कम हुआ आज भाई। अब बेटर वे में बिछा दी भाई, सब इस पर आराम से लेट जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ इनके खाने वाले में डाल दूँ यहाँ पे। और भाई मैं तो इनके इमोशंस बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत अच्छे से, इतने साल से, क्योंकि डॉग रख रहा हूँ मैं अभी। कोई बात नहीं भाई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।